मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को टाइम बताती हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज का जो व्लॉग है एक बहुत ही प्यारी सी जगह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। होप ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को प्यारा लगे, क्योंकि ये ना नॉर्मल वाले जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, रूटीन व्लॉग, उनसे कुछ हटके है। तो अभी मैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं, आशु थोड़ा ऊपर गए हैं क्योंकि अभी हम लोग यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि घर से इतनी जल्दबाजी में निकले हैं ना। ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने ऊपर गए हैं। बेटे आप नहीं जाओगे? एमी आप नहीं जाओगे? इधर आओ। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, बस रेडी हुए घूमने के लिए निकले घर से, और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि गाना चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो छोटू सी आपसे बात करके आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हम सब निकल गए हैं और देखो जो यहाँ के लोकल होंगे वो तो रास्ता देख के ही पहचान गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आशु बताएंगे आपको हम कहाँ जा रहे हैं। मसूरी। मसूरी, तो हम जा रहे हैं मसूरी। बहुत ही छोटू सा ट्रिप है, लेकिन बच्चों के अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, वेकेशन ऑन हो गई है, तो छोटा सोचा हमने कि एक छोटू सा ट्रिप मार के आते। तो देखिए अभी बहुत ज्यादा क्राउड है आज, और मसूरी में ना यहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा ना बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है हमारा मसूरी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और गर्मी के टाइम पे क्या मन करता है ना कि किसी ऐसी जगह जाए, चाहे शिमला हो, मसूरी हो, ऊटी हो, कि ठंडी ठंडी जगह जाने का मन करता है। धूप में बिल्कुल मन नहीं करता है कि गर्मी हो, धूप हो और घूमने जा रहे हो आप। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं और ब्रेकफास्ट कर लिया है। वैसे ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि अभी हम लोग मॉर्निंग में आए हैं, तो जहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग को पसंद है वहाँ अभी खुला नहीं था, तो हमने दूसरी जगह ब्रेकफास्ट किया जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो चलिए पहुँचते हैं और अभी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं रास्ते के ना प्यारे प्यारे व्यू, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए और उसके बाद मैं सीधा मिलती हूँ आप लोगों से पहुँचने के बाद। टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बजे का और हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए, और काफ़ी जल्दी हम लोग आज घर से निकल गए थे मसूरी के लिए, क्योंकि फिर अगर लेट हो जाओ ना तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है, क्योंकि वेकेशन टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है मसूरी में, जिसकी वजह से आपको ना रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। तो हम लोग टाइमली निकल गए थे और अच्छे टाइम पर हम लोग पहुँच भी गए थे। तो काफ़ी देर हम लोग मार्केट में घूमे हैं और अभी टाइम हो चुका है, मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं निकले थे तो काफ़ी भूख लग रही थी, और हम लोग लंच करने के लिए आ गए थे यहाँ सैंडोस में, और काफ़ी अच्छा था यार इन लोगों का खाना ना, बहुत ज़्यादा यम्मी छोले भटूरे थे। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कभी मसूरी आओ ना तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यम। तो हम लोग बस यहाँ से लंच करेंगे और लंच करने के बाद सीधा होटल रूम में जाएंगे, क्योंकि फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम में घूमेंगे अच्छे से यहाँ का मार्केट।
रहा है। शाम के 4 बज चुके हैं और हम दोबारा से रेडी हो गए हैं और 2 बजे हम लोगों ने चेक इन कर लिया था होटल में। यहाँ देखिए दोनों बच्चे हैं और दोनों बच्चों को मैंने गर्म कपड़े पहना दिए हैं और आज आशु की वजह से बहुत हालत खराब होने वाली है। देखना अभी जब हम जाएंगे ना कितना ठंडा लगने वाला है। वो देखो आशु ने भी हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी है और मैंने भी ये शर्ट पहनी हुई है। लेकिन बच्चों के ये चीज़ अच्छी हुई, आशु तो मुझे बोल रहे थे, कह रहे निम्पी कि यहाँ ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि मसूरी में ना शाम के बाद बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। इनफैक्ट जब हम लोग पहुँचे थे ना मसूरी तब भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तभी मुझे लग गया था कि भैया आज ठंड में हालत ख़राब होने वाली है। तो हम लोग कोई जैकेट नहीं लाए, पहले सोच भी रही थी कि कोई स्टॉल या जैकेट वगैरह रख लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने लिए रखी नहीं, आशु ने भी नहीं रखी। देखो हम दोनों आज हालत खराब होने वाली ठंड में। नोनो की भी मैं हुडी ले आई थी। नोनो तो बस अभी हम लोग ना थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा से रेडी हो गए हैं। बस अभी कैमरा उठाया, सोचा आप लोगों से बात कर लूं, क्योंकि फिर अगर व्लॉग बीच में अभी चल रहे बेटा क्योंकि व्लॉग अगर बीच में छूट जाता है ना तो बस ऐसा ही होता है, फिर कैमरा उठाने का मन नहीं करता है। तो सोचा कि आज का जब ये मैंने प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट किया तो इसको कंप्लीट करके आप लोगों तक कल शेयर करूंगी। और यार ठंड बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा मैं आप लोग को होटल रूम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये होटल रूम में पीछे है सिटिंग एरिया, काफी अच्छा खुला डुला रूम है और थोड़ा सा मैस भी है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काफी देर हो चुकी है हमारी। और ये देखो एमी यहाँ अपनी कार भी लेके आया चलाने के लिए और गन कहाँ गई, चलो फिर निकलते आओ। तो अभी चलिए आप लोग को लेके चलते हैं माल रोड, घूमेंगे और खूब इंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद डिनर करके हम लोग रूम में आएंगे। चलते हैं दोनों घूमते हैं माल रोड, लेकिन ठंड बहुत है, आज हाल खराब होने वाले मम्मा के पापा। पहले खेलने चलेंगे हम, देखो सुपरमैन बन के आए हैं ठंड में। लो वॉलेट ले लिए। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे, यानी कि माल रोड घूमेंगे थोड़ा बहुत। और उससे पहले हम लोग आ गए हैं यहाँ होटल के रूफ टॉप पर, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिटिंग एरिया था। और यार मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, रात में तो बारिश भी हो गई थी लेकिन इस समय पर वेदर काफ़ी अच्छा है। और मसूरी आना मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है, मसूरी क्या मतलब आप किसी भी हिल स्टेशन पर चले जाओ गर्मी के सीज़न में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी एक ऐसा वेदर है जहाँ पर ना मतलब अच्छा नहीं लगता है कि आप धूप में कहीं घूमो या फिर गर्मी आपको फील हो रही हो, तो ऐसी जगह ना बिल्कुल बेस्ट होती है गर्मी की वेकेशन मनाने के लिए। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे और हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह ली, छोटे मोटे स्नैक्स लिए और खूब सारी हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली हैं, क्योंकि अच्छा लगता है आप कहीं बाहर आ रहे हैं फैमिली के साथ तो पिक्चर्स ऐसी चीज़ है कि आपकी एक मेमोरी बन जाती है और अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर भी आजकल हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, भाई पिक्स शेयर करते हैं, ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा, तो वही हम लोगों ने पिक्स ली। और उसके बाद हम बच्चों को लेकर के चले गए थे यहाँ प्ले एरिया में, ये भी होटल में ही था। तो बच्चों ने यहाँ पर स्विंग्स वगैरह झूले, क्योंकि एमी को थोड़ा सा रहता है, एमी अभी छोटा है, उसको लगता है कि नहीं मुझे घूमना नहीं है मार्केट में, मुझे तो अभी झूले झूलने हैं, मुझे इंजॉय करना है। तो काफ़ी टाइम बच्चों ने यहाँ पर स्पेंड किया, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट निकले थे। सुबह के 7:30, आप लोगों से मैं अभी मिल रही हूँ सुबह में, कल बहुत ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया और फिर ये रहता है कि घूम रहे थे तो मन ही नहीं किया कि कैमरा उठाऊँ व्लॉगिंग करूँ, इसलिए मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी रेडी हो चुकी है, हम 7:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के और पीछे अहमी रेडी हो रहा है इधर। नो नो गुड मॉर्निंग नोनो, गुड नोनो जो है वो भी रेडी हो चुकी है, बस नोनो के मुझे बाल बनाने हैं। आशु गए हैं नीचे ब्रेकफास्ट का पता करने, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और यार कल रात बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, हम लोग तो थोड़ी देर हम लोगों ने मार्केट घूमा, डिनर किया और फटाफट हम लोग जैसे ही रूम में वापस आए ना उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, मौसम इतना ठंडा हो गया। तो चलिए मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ अपना आउटफिट, जो कि बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारी सी ये ड्रेस है, तो आप लोग के साथ अपना OOTD शेयर करते हैं।
years I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every. अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का और हम लोग जा रहे हैं घर वापस। वैसे प्लान तो आज और घूमने का था, कंपनी गार्डन वगैरह, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम काफ़ी ख़राब है। रात में भी बारिश हुई थी और अभी भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है मॉर्निंग से। लेकिन ये जो छोटा सा ट्रिप था ना, काफ़ी अच्छा लगा। होप आप लोगों ने भी इस ट्रिप को इंजॉय किया हो। अच्छा रहा है अमी? नो कैसा रहा है अमी? तो इधर बैठे हैं आशु। गुड मॉर्निंग। तो बस अभी घर जा रहे हैं वापस। मन कर रहा है यार घर पहुंचे, थोड़ा सा अपना रेस्ट वेस्ट करेंगे घर पहुंच के और इस व्लॉग को एडिट करेंगे। होप आप लोग को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो आप इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।